लार्ज एंड मिड कैप फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी रिवॉर्डिंग रहे हैं रिवॉर्डिंग इसलिए क्योंकि अगर आप इनके रिटर्न्स चेक करें तो ये पिछले साल में ज्यादातर डायवर्सिफाइड फंड से आगे हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड के एवरेज रिटर्न फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप और ई एल एस एस फंड से ज्यादा है दे गिव यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड एक तरफ आपको हाई परफॉर्मिंग मिड कैप्स का एक्सपोजर मिलता है और दूसरी तरफ आपको इंडिया के सबसे बड़ी कंपनीज की सेफ्टी मिलती है ये फंड्स कम से कम 35 परसेंट लार्ज कैप और मिनिमम 35 परसेंट मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं बाकी का पैसा फंड मैनेजर जहाँ चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है तो हमने सोचा क्यों ना इस कैटेगरी के तीन मोस्ट पॉपुलर फंड्स कंपेयर करें इस वीडियो में हम एस बी आई म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल और एच डी एफ सी के लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को कंपेयर करेंगे हमने ये तीन पॉपुलर फंड्स उनके इनफ्लोस के बेसिस पर सेलेक्ट किए हैं तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझना जरूरी है सो दैट यू नो वॉट टू एक्सपेक्ट एक अग्रेसिव फंड आपको हाई रिटर्न्स देगा जब मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन जब मार्केट्स में करेक्शन आएगा तो वो ज्यादा गिर भी सकता है इसी तरह एक कॉन्जर्वेटिव अप्रोच वाला फंड शायद मार्केट्स रैली के वक्त टॉप पर ना हो लेकिन जब मार्केट्स गिरते हैं वो स्टैंड आउट करेगा अब हम अलग अलग, अलग पैरामीटर्स देखेंगे ताकि इन फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझ सकें चलिए पहले लार्ज मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन से शुरू करते हैं अगर एक फंड का ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप्स में है तो हम उसकी अप्रोच को कॉन्जरवेटिव मान सकते हैं इसी तरह अगर एक फंड मिड और स्मॉल कैप्स में ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो हम उसे अग्रेसिव कहेंगे अब हमने इन फंड्स का पांच साल का डेटा देखा एंड वी फाउंड

अब चलिए अपने अगले मैट्रिक पर नजर डालते हैं जो है नंबर ऑफ स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टॉक्स का मतलब है कि वो डाइवर्सिफाइड है इससे किसी एक स्टॉक का ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट कम हो जाता है एच के पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़े हैं ट्वेंटी में इसमें फिफ्टी स्टॉक्स थे और अब ये लगभग चार गुना बढ़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के पोर्टफोलियो में सिर्फ 29 स्टॉक्स हैं ये कैटेगरी मीडियम 73 से काफी कम है इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने यहाँ एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाने का फैसला किया है लास्टली एस बी आई लार्ज एंड मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 80 स्टॉक्स हैं। ये कैटेगरी मीडियम के करीब है तो इससे लगता है कि एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड है एस बी आई लार्ज मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो मॉडरेटली डाइवर्सिफाइड है और मोतीलाल ओसवाल का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है नेक्स्ट सेक्शन में जब हम इन स्कीम्स के रिटर्न्स और रिस्क को देखेंगे तो हम समझेंगे कि इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के डिफरेंस का परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है यहाँ हम तीन फंड्स के परफॉर्मेंस को अलग अलग बेंचमार्क्स के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज निफ्टी लार्ज मिड कैप टू इंडेक्स हमारा कस्टमाइज पोर्टफोलियो जिसमें 50 परसेंट लार्ज कैप्स और 50 परसेंट मिड कैप्स हैं हमने ये कंपैरिजन इसलिए लिया क्योंकि लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक और तरीका हो सकता है अब चलिए अपने पहले परफॉर्मेंस मेट्रिक रोलिंग रिटर्न पर नज़र डालते हैं हमने ऑगस्ट ट्वेंटी से ऑगस्ट ट्वेंटी तक के पाँच साल के रोलिंग रिटर्न देखे लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी हमारे पास मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का पाँच साल का डेटा नहीं था क्योंकि ये अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुआ था दिस फंड इज़ लेस दैन फाइव ईयर्स ओल्ड लेकिन अगर हम दूसरी दो स्कीम्स का परफॉर्मेंस कम्पेयर करें तो एस बी आई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने ग्रुप में सबसे अच्छा परफॉर्म किया पाँच साल के फोर्टीन पॉइंट सेवन एट परसेंट मीडियम रोलिंग रिटर्न के साथ इसने ना सिर्फ एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को बल्कि दूसरे तीन बेंच मार्क्स को भी आउट परफॉर्म किया HDFC Large Mid -Cap Fund यहां पर सबसे पीछे रहा। इसने 13.39% का रिटर्न किया जो ग्रुप में सबसे कम था अब मोतीलाल ओसवाल कंपेयर करने के लिए हमने रोलिंग रिटर्न पीरियड को कम कर दिया हमने अगस्त 2019 से अगस्त 2024 तक के ढाई साल के रिटर्न को देखा अब ढाई साल इक्विटी फंड्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए आइडियल पीरियड नहीं है लेकिन इनके लिमिटेड परफॉर्मेंस हिस्ट्री की वजह से ये बेस्ट ऑप्शन था अगर हम डेटा देखें तो एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप फंड जो पांच साल के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर पीछे था यहाँ परसेंट का रिटर्न दिया अगला फंड था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसने लगभग तेईस परसेंट के रिटर्न दिए तीसरे नंबर पर था एस बी आई लार्ज एंड मिड कैप जिसने ट्वेंटी दिए इंटरेस्टिंग बात यह है इन तीनों फंड्स ने अलग अलग बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म किया है तो रिटर्न्स के परस्पेक्टिव से अगर आप लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये तीन फंड्स डेफिनेटली अच्छे हैं। अब जैसा कि हमने पहले देखा था एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप फंड पांच साल के रोलिंग रिटर्न में पीछे था यहाँ चार्ट में टॉप पर है लगता है फंड का परफॉर्मेंस बदल गया है ये देखने के लिए कि क्या ये सच है आई ए स्कीम के ट्रेलिंग रिटर्न को देखते हैं हमने एक तीन पांच और दस साल के ट्रेलिंग रिटर्न्स देखे

एस बी आई लार्ज एंड मिड कैप फंड का रैंकिंग रिसेंट में स्लिप हुआ है दस साल के ट्रेलिंग रिटर्न के हिसाब से ये सेकेंड रैंक पर था लेकिन रिसेंट ईयर्स में ये या तो फिफ्थ या सिक्स रैंक पर रहा है जो ग्रुप के बॉटम में है आइए अब तक के सारे एनालिसिस को कंबाइन करते हैं अगर हम परफॉर्मेंस डेटा को इन्वेस्टमेंट स्टाइल के साथ कंबाइन करें जो हमने पिछले सेक्शंस में एनालाइज किया था वी कैन मेक सम ऑब्जर्वेशन पहला एस के फंड का रिसेंट परफॉर्मेंस डिक्लाइन शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि उसके बेट्स काम नहीं कर रहे हैं हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस सेक्शन में उसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल में कोई मेजर चेंज नहीं देखा इसी तरह मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड में मिड और स्मॉल कैप्स में अग्रेसिव एलोकेशन उसे अच्छे रिटर्न जेनरेट करने में मदद कर रहा है सरप्राइजिंग बात यह है कि एच के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने रिसेंटली आउट परफॉर्म किया है हायर लार्ज कैप एलोकेशन के बावजूद इसने बेटर रिटर्न दिए हैं रिटर्न को एग्जामिन करने के बाद चलिए अब इन फंड के साथ एसोसिएटेड रिस्क को देखते हैं ताकि ये समझ सकें कि क्या ये हायर रिटर्न जनरेट करने के लिए हायर रिस्क ले रहे हैं यहां हमने पिछले पांच सालों के निफ्टी फिफ्टी के मंथली रिटर्न को देखा फिर हमने उन महीनों को शॉर्टलिस्ट किया जहां निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट किए इस तरह हमें 20 महीने मिले जहां निफ्टी 50 ने दिए फिर हमने अलग अलग फंड्स के परफॉर्मेंस को निफ्टी फिफ्टी के साथ कंपेयर किया और उन महीनों को कैलकुलेट किया जहां इनका फॉल निफ्टी फिफ्टी से कम था एस बी आई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने बीस में से पंद्रह महीनों में बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन दिखाई ये परफॉर्मेंस सिर्फ उस कस्टम पोर्टफोलियो से सेकेंड नंबर पर था जो हमने फिफ्टी परसेंट लार्ज कैप्स और फिफ्टी परसेंट मिड कैप्स यूज करके बनाया था अगला मोतीलाल ओसवाल का फंड जिसने 20 में से 14 महीनों में बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाई जो लार्ज और मिड कैप्स के कैटेगरी एवरेज के सिमिलर था एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन सबसे कम था यह सिर्फ ग्यारह महीनों में कम गिरा जो पूरे ग्रुप में सबसे लोएस्ट है दिस डाउन साइड प्रोटेक्शन डेटा सरप्राइज खासकर मोतीलाल ओसवाल और एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप फंड को लेकर पिछले सेक्शन में हमने देखा कि मोतीलाल ओसवाल का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है जिसमें मिड और स्मॉलर कंपनीज का एलोकेशन हायर है इंट्यूटिवली इस कॉम्बिनेशन से एक हाईली वॉलेटाइल पोर्टफोलियो बनता है लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग फंड ने बेटर दैन एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया है एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप फंड का भी सिमिलर केस है ये लार्ज कैप हैवी है और इसका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड है इस कॉम्बिनेशन से लेस वॉलेटाइल पोर्टफोलियो बनना चाहिए था लेकिन यहाँ इस फंड की वॉलीटिलिटी हाइएस्ट है

ये अपने पेयर से अंडर परफॉर्म कर रहा है और हम इस फंड की डाउन साइड प्रोटेक्शन देखें तो ये तीनों फंड्स में बेस्ट थी रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के एनालिसिस के बेसिस पर हम आप पर छोड़ते हैं कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा फंड सेलेक्ट करते हैं इसीलिए आपको कौन सा फंड बेस्ट लगा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं मुझे उम्मीद है कि आपको यह कंटेंट यूजफुल लगा होगा इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो यू डोंट मिस एनी वीडियो फ्रॉम अस I'll see you next time. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.